वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अल बी यू। आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड। टुडे आई एम हेयर इन मदीना। ये जी सामने आपको मस्जिद नबी नज़र आ रही है, एंड अभी जिस मुकदस मकाम की मैं ज़्यारत आपको करवाने जा रही हूँ, ये है जी लाइक मस्जिद गमामा। जैसा कि आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की ये जी रिहाइश का थी, लाइक जहाँ पे उनका बचपन गुज़रा है और जहाँ पे लाइक उनके सुबह शाम गुज़रे हैं। ये मस्जिद नबी की जब तामीर हुई थी तो यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने उनकी रिहाइश का, हज़रत अली की जो रिहाइश गह पे यहाँ पे उन्होंने जी एक मस्जिद बना दी उनकी रिहाइश गाह के ऊपर। यहाँ पे लोग अभी आके नवाफिल अदा करते हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे लोग नवाफिल पढ़ें, बिकॉज़ अंदर से तो ये बंद है और आप इसकी बाहर से ही ज़्यारत कर सकते हैं जी इस मुकद्दस मकाम की। मैंने भी अभी यहाँ पे आके दो नफल पढ़े हैं, एंड माशाल्लाह से जी जो खुशबू इस जगह से आती है उसका कोई मोल नहीं, एक इंडिविजुअल ही खुशबू है वो आप यहाँ पर आके फील कर सकते हैं, और ये इसके बाहर के जो मनाजर आप देख सकते हैं। सो थोड़ा सा इसका इंटीक दिखाती हूँ जी। ये जी मस्जिद गमामा, ये बाहर से इसका व्यू है। इसी तरह जो सामने मस्जिद है वो भी लाइक ज़्यारत है, वो भी मैं आपको अभी करवाऊँगी कि वो कहाँ किस नबी से उसकी रिजम्बलेंस है और क्या सीन है। सो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग नफल पढ़ रहे हैं। ये जिसका मेन गेट है, लाइक हमेशा मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पांव अंदर रखें और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ लें। ये जी मस्जिद गमामा है, सुभान अल्लाह। ये जिसकी मेन एंट्रेंस है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ पुराने दौर से रिजम्बल की हुई है इसका इंटीरियर। ये जहाँ पे इसका हाथ है लाइक मेन बरामदा है जहाँ पे अपना वाफिल पढ़ सकते हैं। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।